ये देखो यहाँ पे ना इस ग्राउंड में सारे के सारे इतने लंबे लंबे आदमी मिलेंगे आप लोगों को। मेरी हाइट है 6'2", मैं भाई साहब की यूं करूँ ना, ये देखो मतलब ये है यहाँ का वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंडो ट्रेकर। और कल आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आ गया था साउथ सूडान की कैपिटल जुबा में, और मैं रजिंदर सर के साथ ठहरा हुआ था। तो अभी हम लोग आज क्या है कि यहाँ पे जाएंगे परमिशन लेने, यहाँ पे यही फिल्मिंग का परमिशन कंपलसरी, वरना आपको कहीं भी धर लेंगे यहाँ पे पुलिस वाले, है ना। मतलब यहाँ पे चारों तरफ आपको जो भी ये बोडा बोडा वाले मिलते हैं ना, वो सभी मान लो कि आर्मी वाले पुलिस वाले वही रहते हैं, तो वो कहीं भी धर लेते हैं। फिल्मिंग यहाँ पे टोटली बैन है। हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग, वेलकम बैक टू जुबा, और मैं हूँ राजेंद्र अलावत, और मेरे साथ इस टाइम पे है कैलाश जी, और इनका बहुत बहुत स्वागत है इस कंट्री के अंदर। और ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है इनका, तो अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे हर चीज। जैसे बोल रहे थे कि एक परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पे मीडिया से, वो इसलिए लेनी पड़ती है बिकॉज क्या है कि फॉरनर्स जो गोरे लोग आते हैं ना, वो यहाँ पे कई कुछ बना के चले जाते हैं और फिर वो गलत प्रिडिक्ट करते हैं इस कंट्री के बारे में। तो वो चाहते हैं कि जिसका भी हम रजिस्ट्रेशन करें और अगर कुछ गलत कुछ डालता है, फिल्मिंग करता है, तो हम उसको कल को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, और रास्ते में क्या है कि सीआईडी और यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी है, तो वो लोग भी डिस्टर्ब ना करें आपको, आप आराम से फिल्मिंग वगैरह करो, तो इस करके वो ये सर्टिफिकेट आपको इशू करते हैं। जुबा में कितने आप 3 साल पहले भी रहे? पहले मैं 2008 में आया था, 2010 तक यहाँ रहा, उसके बाद फिर युगांडा चला गया था। अच्छा अच्छा, 2019 से मैं यहीं पे। आपका भी YouTube चैनल है? मेरा भी एक YouTube चैनल है, छोटा सा, एक्सप्लोरर अलावत के नाम, दी एक्सप्लोरर अलावत। वो अभी स्टार्ट किया है मैंने, चलो साइड बाय साइड कुछ टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ करते रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो आप सब लोग एक बार सर के चैनल को भी चेकआउट करें, दी एक्सप्लोरर अलावत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं चैनल का लिंक डाल दूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे करें ब्रेकफास्ट, करने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे परमिशन लेने। देखो यहाँ पे इंडियन ब्रेकफास्ट मिल रहा है, बाहर इंडियन ब्रेकफास्ट मिल जाए और क्या ही चाहिए सर। अभी देखो राजेंद्र सर यहाँ रहते हैं, तो अभी हम लोग इन्हीं के घर से ना वहाँ से परमिशन लेने जा रहे हैं, और बाहर का पार्ट कुछ ऐसा है, आप लोगों को शायद पहले भी देखा होगा इस वीडियो में। और जो ड्राइवर है वो आ गया है, ये गाड़ी है सर की। चले सर। हाय पीटर, हाउ आर यू? साउथ सूडान इज गुड। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं बाहर यहाँ की साउथ सूडान की सड़कों पे, और आप लोग देख लो, ये है साउथ सूडान की पहली झलक। कल तो मैं केवल एयरपोर्ट से और सीधा मैं राजेंद्र सर के घर पे गया था, तो आप लोगों को कुछ ज्यादा नहीं दिखा पाया। अब अपना शुरू होता है साउथ सूडान का ट्रिप। आप लोगों को एक बात बताऊं, पीटर है ना जो अपने सर का ड्राइवर है, इसके 8 बीवियां हैं। कल मुझे मालूम था, सर ने बताया 8 है, आज ही बोल रहा 9 हो गई, मतलब एक बढ़ गई है, और अराउंड 32 बच्चे हैं। तो एक मतलब अलग से वीडियो में बताऊंगा वो कहानी तुम आप लोगों को। तो अभी तो परमिशन ले लेते हैं, क्योंकि मैं ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा जब तक परमिशन नहीं ले पाऊंगा तब तक। पीटर, आर यू हैप्पी विद 9 वाइफ्स? देन आई वांट टू ऐड देम आल्सो। ओह, यू वांट टू मोर? या, ओ माय गॉड, भाई साहब को भी और चाहिए। और गाड़ियां देख लो, बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, मतलब ये और अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं मिलेगी ऐसी। साउथ सूडान में आप लोगों ने देखी पूरी रोड पे क्या जबरदस्त जबरदस्त गाड़ियां देखने को मिलेगी आप लोगों को। ये वाला रोड जो दिख रहा है, ये यहाँ का सबसे बेहतरीन रोड है साउथ सूडान का, जुबा का। अच्छा दिख रहा है लेकिन ये रोड, टोटल मिला के 4 रोड है साउथ सूडान जुबा में, तो उनके अलग अलग, एयरपोर्ट रोड हो गया, मिनिस्ट्री रोड हो गया, तो ये मिनिस्ट्री रोड सबसे क्लीन है और थोड़ा सा अच्छा भी है। और ये देखो गाइस, ये ऐसे होती हैं कि फ्यूनरल सेरेमनी, कोई बंदे की डेथ हो गई है तो उसको शायद अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं ये लोग। इस पुल का नाम है जुबा ब्रिज, और ये जो सामने रोड जा रहा है ना, ये जा रहा है युगांडा को। यदि आप लोगों को युगांडा बाई लैंड बॉर्डर होते हुए जाना है ना, तो इसी रोड से होते हुए जाना पड़ेगा आप लोगों को।
रोड जुबा बोर यहाँ से जुबा से बोर की तरफ जाते हैं अप कंट्री है एक्सीडेंट हो गया मोटरसाइकिल से अभी हम लोग वहाँ पे गए थे परमिशन लेने परमिशन तो मिली नहीं एक्चुअली उन लोगों ने बोला कि कल आओ आप लोग परमिशन लेने आज जो परमिशन देगा ना वो है नहीं तो देखते हैं कल जाना पड़ेगा वो लोग बोले कि हम लोग आप लोगों को कॉल कर देंगे मैंने राजेंद्र जी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है वहाँ पे और देखते हैं आप सिम कार्ड ले लेते हैं यार पहले बाकी एक बार परमिशन मिलने के बाद ही ढंग से रिकॉर्डिंग शुरू करूँगा मैं ये देखो ये है यहाँ के सिम कार्ड वगैरह 1000 का एक है यानी कि $1 का सिम कार्ड इसमें क्या मिल रहा है कॉलिंग या इंटरनेट कुछ मिल 600 पाउंड की कॉलिंग मिलेगी वो डाल लेंगे बाद में अच्छा अच्छा इसमें से एक सिलेक्ट कर लो आपको अनुसार कोई सा भी दे यहाँ से ले रहा हूँ मैं सिम कार्ड अभी यहाँ पे ले जाके मोहतरमा ने ना फोटो वोटो खींची वो जो येलो कलर का ग्रीन कलर का दिख रहा है आप लोगों को और सिम कार्ड लेने के बाद आप लोगों को बताता हूँ सिम कार्ड का प्राइस ये जहाँ पे सिम कार्ड मैं ले रहा हूँ वहाँ के हाल चाल कुछ ऐसे है गाइज ये साउथ सूडानीज पाउंड नोट ये है 1000 का साउथ सूडानी पाउंड तो ये इंडियन करेंसी की बात कर तो लगभग 82 रुपए की लगभग होता है और डॉलर की बात कर तो लगभग $1 के बराबर होता है सबसे बड़ा नोट 1000 पाउंड का होगा और सबसे छोटा नोट है ना 50 पाउंड का होगा यहाँ से सिम कार्ड परचेज कर लिया हम लोगों ने MTN का ये पड़ा 1000 साउथ सूडानीज पाउंड ये होता है लगभग 82 इंडियन रुपीज का और अब हम लोगों ने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया अब हम लोग जाएंगे एलियन रजिस्ट्रेशन के लिए वो क्या होता है कि आप लोग कोई भी यहाँ से बाहर से फॉरेनर आता है ना उसको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि कितने फॉरेनर बाहर से आए गए ठीक है लेकिन वो मेरी समझ में नहीं है इन लोगों ना एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन होता है उसी टाइम यार लेखा जोगा तो सब कुछ उसी टाइम होता है कोई नहीं अभी यहाँ की फॉर्मेलिटीज है तो अब करनी तो पड़ेगी तो अभी हम लोग जाएंगे एलियन रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग विद इन 3 डेज एलियन रजिस्ट्रेशन करवा ले नहीं तो वापस यदि आप लोग एग्जिट करेंगे ना उस टाइम आप लोगों को दिक्कत हो सकती है और अभी हम लोग यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करवाने आए हैं देखो $1000 हम लोगों ने एक्सचेंज करवाया है तो $1000 में हमें मिला है 1,25,000 साउथ सूडानीज पाउंड तो भाई साहब बहुत ज्यादा हो गया ये तो 1000 पाउंड का ये सबसे बड़ा नोट है और ये देखो ये हो गया 500 पाउंड का नोट ये भाई साहब हैं ये भी अपने वैसे तो इनकी जो ओरिजिन है इंडिया से ही है ना ओरिजिन तो हाँ राजकोट से है अभी मैं वापस से राजेंद्र सर के यहाँ पे घर पे आ गया हूँ जो यहाँ पे इनका वेयर हाउस है यहाँ पे इनका कंपनी का वेयर हाउस है वहाँ पे आ गया और अभी यहाँ पे बारिश बहुत जबरदस्त हुआ है देखो आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा बाहर का व्यू पानी देखो क्या जबरदस्त पानी बह रहा है और यहाँ से देखो मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है लेकिन अभी काफी जबरदस्त मौसम हो रखा है आप लोगों को सामने दिख रहा है वो है जुबा सिटी हम लोग अभी जुबा से थोड़ा सा आउटर पार्ट में रहते हैं ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे फिल्मिंग करना रिकॉर्ड वीडियो बनाना रिकॉर्ड करना वो बहुत ही ट्रिकी काम है यहाँ पे हर जगह ना यदि आप लोगों के पास परमिशन नहीं है तो हर जगह आप लोगों को पुलिस वाले आर्मी वाले यहाँ के लोकल बंदे हर कोई टोकेगा आप लोगों को तो जब भी साउथ सूडान आओ सबसे पहला काम करो परमिशन ले लो रिकॉर्डिंग का दूसरा काम है एलियन रजिस्ट्रेशन मतलब पता नहीं इनका क्या सिस्टम है कि इनका कोई ऑफिस होता है वहाँ पे जाओ और एलियन रजिस्ट्रेशन कराओ वो कोई स्टिकर लगाएंगे एलियन रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि ये बंदा हमारे साउथ सूडान कंट्री में आया है अरे यार उसका समझ में नहीं आया यार वो जो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ठीक है वो स्टाम्प वगैरह लगा दिया वो क्या है मतलब वो भी तो एक वही है ना भाई बंदा एंटर हो गया है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा है मतलब हर जगह थोड़ा सा आप लोगों को काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे रिकॉर्डिंग वगैरह पे तो गाइज आज मेरा साउथ सूडान में तीसरा दिन है अभी मुझे रिकॉर्डिंग का परमिशन नहीं मिला लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग का मतलब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है मैंने और आज हम लोग फिर से जाएंगे यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ की फिल्म अथॉरिटी जो ऑफिस है ना वहाँ पे जाएंगे देखो आज या कल परमिशन नहीं मिलता है तो रिकॉर्डिंग वगैरह मैं शुरू करने वाला हूँ फिर यहाँ पे और आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे साउथ सूडान में तीसरे दिन हम लोग आज फिर से निकले मैं और राजेंद्र सर और ड्राइवर पीटर ये देखो कुछ ऐसे हालात है यहाँ पे साउथ सूडान के तो गाइज अभी मैं यहाँ की कोई मार्केट में आ गया हूँ आप लोगों को यहाँ की कुछ मार्केट वगैरह वेजिटेबल मार्केट वगैरह मैं दिखाने वाला हूँ ये देखो यहाँ की हलचल कुछ ऐसी है दुनिया का सबसे नया देश है वो कुछ ऐसा दिखता है आप लोग भी देख लो यार यहाँ पे वैसे रिकॉर्डिंग से प्रॉब्लम तो बहुत है लोगों को ये देखो यहाँ का वेजिटेबल मार्केट वगैरह कुछ ऐसा है एवोकाडो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे एक इंडियन ग्रोसरी शॉप है यहाँ पे सारा इंडियन आइटम मिल जाएगा शॉप छोटी है लेकिन आइटम वगैरह सारे मिल जाएंगे ये काफी पुरानी मेरी जान पहचान की है अच्छा अच्छा तो चीजें सारी मिल जाती हैं अभी इसीलिए इसके पास आता हूँ हाँ सही है सही है बीन्स वगैरह सारा का सारा इंडियन ग्रोसरी आइटम मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ पे टाटा का सोल्ट क्या बात है
सदाबहार ब्रांड है इंडिया का ये। ये है यहाँ का वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है कि मुझे रिकॉर्डिंग से डर लग रहा है। अच्छा युगांडा से आता है ये एवोकाडो भी। अच्छा अच्छा सही है, युगांडा से। अच्छा अभी हम लोग हैं यहाँ के मुरब्बा मार्केट में। ये मार्केट जो आप लोगों को सामने दिख रहा है ये होलसेल का मार्केट है, और आजू बाजू में जो भी आप लोगों को लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ पे बिजनेस करने वाले सोमाली लोग हैं। आप लोग भी देख लो, दुनिया की जो सबसे यंगेस्ट कंट्री है उसके मार्केट वगैरह कुछ ऐसे हैं। हालांकि इस कंट्री को अभी इम्प्रूव करने में काफी सालों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कर रहा है। ये सामने जो बिल्डिंग है ये है यहाँ का इक्वेटोरियल टावर, और ये यहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ की एक सबसे बड़ी सुपरमार्केट है फेनिसिया, तो वो कोई लेबनीज बंदे की है। तो अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसी क्या है यहाँ की सबसे बड़ी सुपरमार्केट। थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करूंगा, ज्यादा तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अभी अपने पास परमिशन नहीं है। ये देखो भाई, ये है यहाँ की सबसे बड़ी सुपरमार्केट साउथ सूडान की। काफी अच्छा दिख रहा है दिखने में तो। देखो ये ग्रेप्स विनेगर है 120 इंडियन रुपीज के लगभग। इतना सस्ता कैसे हो सकता है यार, 370 इंडियन रुपीज के लगभग एक केजी दाल है। यहाँ पे कुछ बिस्किट वगैरह है, 650 इजिप्शियन पाउंड का बिस्किट है लगभग 65 इंडियन रुपीज का, कुकी बिस्किट 2.5 किलो का। एक वे प्रोटीन का डिब्बा है 12,000 के लगभग, काफ़ी महंगा है यार। ऑप्टिमम, वाह भाई वाह, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि साउथ सूडान में ऑप्टिमम का वे प्रोटीन मिल जाएगा 2.26 केजी 16,000 का। हमारी शॉपिंग हो गई अब पूरी, अब हम लोग चलते हैं बाहर, यहाँ पे करते हैं बिल पे। अभी हम लोग घूम के आ रहे हैं साउथ सूडान के सबसे बड़े सुपरमार्केट पेनेसिया को। जो ये सुपरमार्केट ऐसी मान लो कि अपने जो छोटे छोटे टाउन में भी शायद इससे बड़ा सुपरमार्केट मिल जाएगा, उतना ही बड़ा था। $40 का, $40। हाँ, कोई खास ज्यादा सामान भी नहीं खरीदा और टोटल बिल बैठा हमारा $40 लगभग, 3,200 रुपए के लगभग। तो महंगाई तो यहाँ पे हद से ज्यादा है, काफी महंगा। सारा का सारा आइटम लगभग 80% आइटम है ना, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, उन्हीं कंट्रीज से इम्पोर्ट करते हैं ये लोग। यहाँ पे प्रोडक्शन नाम पे कुछ भी नहीं इस कंट्री में। गाइज आज हमारा चौथा या पांचवा दिन है, मतलब 5 दिन हो गए शायद मुझे आज परमिशन के लिए अप्लाई किए हुए, फिल्म परमिशन या रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन अभी तक है ना यहाँ पे परमिशन नहीं मिली है। इतने क्या ही बताऊं यार, कैसा क्या माहौल है यहाँ पे, परमिशन नहीं दे रहे। मतलब एक तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड करने के लिए आपको परमिशन चाहिए। परमिशन के लिए 5 दिन हो गए ऑलरेडी अप्लाई किए, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। ठीक है, आज हम लोग रोज फोन कर रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं उनके जो मीडिया ऑफिस है वहाँ पे। लेकिन यार इन लोगों को सोचना चाहिए, मतलब बंदा यार 5-5 दिन तो लगा दिए, बंदा बाहर से आ रहा है, 1 महीने का वीजा मिलता है, मान लो 10 दिन का सोच के आए तो कैसे क्या काम चलेगा भाई। कभी बोलते हैं कि वो जो साइनिंग अथॉरिटी है वो बीमार है, कभी बोलते हैं वो बाहर है, कभी बोलते हैं हम सोच रहे हैं हम डिसीजन लेंगे। ताकि परमिशन नहीं मिलती है तो मैं थोड़ा सा घूम फिर के और फिर मैं युगांडा की तरफ निकल जाऊंगा यार। यू शुड चेंज योर कंट्री सिस्टम, हाउ यू शुड टेक इनिशिएट, या गो इन पॉलिटिक्स। आई एम नॉट वन हु गोइंग टू चेंज, या यू शुड चेंज योर एबिलिटी। यू नो यू बीन इंडियन, yeah, when they start the country at that time they didn't change within 5 years or 10 years. They take long time. So we are just learning from the neighbor country now. Oh, you are just learning. If Uganda, what they are doing in Uganda, what they are doing in Congo, what they are doing in Kenya, what they are doing, okay, in Ethiopia. So slowly we are going to change also. Peter ko bol raha hu yaar, tum change karo kuch country mein, tum youth ho yaar, kuch badlav lao country mein, theek hai, kranti lao. धीरे धीरे आएगा, स्लोली स्लोली आएगा कि चेंजेज।
साउथ सूडान में वैसे इंडिया की एम्बेसी भी है। जब मैं वहाँ गया था, बुरुंडी गया था, रवांडा गया था, वहाँ भी इंडिया की एम्बेसी नहीं थी। तो काफी छोटी छोटी कंट्रीज होती है ना, उनमें जैसे इंडियन एम्बेसी नहीं मिलेगी आपको, नियर बाई कंट्रीज की जो इंडियन एम्बेसी है ना, वहीं पे जाके अपने काम धाम निपटाने पड़ेंगे। और आज हम लोग कोशिश करेंगे, एक्चुअली क्या है कि साउथ सूडान में दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पीपल रहते हैं। वैसे सबसे टॉलेस्ट पीपल तो किसी कंट्री में, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना, यहाँ पे बहुत एक कम्युनिटी ऐसी है, डिंका ट्राइब बोलते हैं उसको, जो दुनिया में सबसे लंबे लोग उसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे, अभी यहाँ पे टाइम हो गया 5 और यहाँ पे शाम को ना वो बास्केटबॉल वगैरह खेलने आते हैं लोग, तो आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट वगैरह दिखाएंगे और उन लोगों से मिलने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दो, जो दुनिया की सबसे नई कंट्री है उसको घूम पाना इतना आसान भी नहीं है, परमिशन वगैरह बहुत लेनी पड़ती है। आप लोगों को पिछले वीडियोस में देखने मिला होगा, मैंने बताया होगा, लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग कोशिश करते हैं, देखिए हम लोग जा रहे हैं जो टॉलेस्ट पीपल है ना डिंका ट्राइब के। Every tall person it is a Dinka tribe. Dinka tribe. Yeah. Okay. So they have special genes. Yeah. तो दिनका ट्राइब की जींस कुछ स्पेशल है भाई, इसलिए वो ना बहुत लंबी हाइट वगैरह बहुत लंबी होती है, हेल्दी होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं। देखते हैं अभी, चल कोशिश करते हैं यहाँ के जो बास्केटबॉल ग्राउंड है वहाँ जाएंगे। भाई सामने एक एक्सीडेंट हो गया जबरदस्त वाला, अपने इंडिया की तरह भीड़ लग जाती है भाई यहाँ पे, वेले लोगों की कमी नहीं है, ये देख लो आप लोग। यहाँ पे ऑटो की कंपनी हुई अपने इंडिया वाली, TVS और बजाज के बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी बजाज के मिलेंगे और TVS के भी मिल जाएंगे। अफ्रीका में ज़्यादातर ऑटो TVS और बजाज के ही मिलेंगे आप लोगों को। सवा पाँच बज गए और 5:15 की जुबा की हलचल कुछ ऐसी है। ये देखो यहाँ पे पेट्रोल पंप ना, ऐसे छोटे छोटे पेट्रोल पंप मिलेंगे, कोई भी पेट्रोल पंप बड़ा नहीं मिलेगा। ये सामने कोई फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ का बड़ी भीड़ लगी है फुटबॉल ग्राउंड में। तो अच्छा आप लोग एक बार यहाँ की रोड देखो और यहाँ की गाड़ियाँ देखो, रोड पे कोई मेल ही नहीं है रोड का और गाड़ियों का कोई मेल ही नहीं है। मतलब गाड़ियाँ, मतलब वो फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर, मतलब एकदम जबरदस्त जबरदस्त गाड़ियाँ मिलेगी और रोड है बिल्कुल खत्म। सो गाइस अभी हम यहाँ के एक बास्केटबॉल ग्राउंड में आए हैं, यहाँ पे भाई इतने लंबे लंबे आदमी मिलेंगे आप लोगों को सारे के सारे। और ये बंदा देखो, ये है कितना, 6'11" 6'11" लंबा है भाई साहब। हाउ ओल्ड यू आर ब्रदर? 42 वाह भाई, ये देखो यहाँ पे ना इस ग्राउंड में सारे के सारे इतने लंबे लंबे आदमी मिलेंगे आप लोगों को। आपका कितना है सर? 6 feet है। ये देखो सर का 6 feet हाइट है और ये भाई साहब का देखो 6'11" ओह माय गॉड। अपने इंडिया में तो ना 6 feet तो मतलब ये हो जाती है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे आप लोगों को ना पूरा एक प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे सारे के सारे लोग ही ना ऐसे लंबे लंबे मिलेंगे। इसके आप लोग तो इसके शूज का साइज देखो एक बार। डिंका ट्राइब से, डिंका ट्राइब, यू आर फ्रॉम डिंका ट्राइब, एंड डिंका ट्राइब आर पीपल आर द टॉलेस्ट इन साउथ सूडान। टॉलेस्ट इजंट इट? या द फोर इन इट। व्हाट इज योर शू साइज? 51 सॉरी 51 They are huge, eh? भाई इसके ये देखो आप लोग, तो एक बार मैं नप के देखता हूँ, नपू मैं? ये देखो मेरी हाइट है 6'2" मैं भाई साहब के यूं करूँ ना, ये देखो मतलब मैं यूं करके चल भी नहीं सकता भाई साहब के साथ। आपने इंडिया में 6'2" पता है कितनी होती है? बहुत ज्यादा हो जाती है 6'2". मैं देखो कंधे तक आ रहा हूँ भाई साहब के बस। सो गाइज आप लोगों ने देखा, हम लोग पिछले 4-5 दिन से ऐसे चक्कर काटे जा रहे हैं साउथ सूडान में, कभी परमिशन के लिए, कभी रिकॉर्ड करने जाते तो कुछ ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। ऐसे आप लोगों ने कल देखा हम लोग वहाँ पे यहाँ के बास्केटबॉल ग्राउंड में भी, वो जो लंबे लोग होते हैं ना, आप लोगों को बता दो दुनिया के सबसे लंबे लोग साउथ सूडान में पाए जाएंगे। यहाँ पे एक डिंका ट्राइब है, पता नहीं उनके जीन्स अलग ही होते हैं यार, वो इतने बड़े बड़े पाए जाते हैं, पूछो मत। उनकी हाइट 7 feet 7 feet ठीक है, मतलब 6.5 feet से। तो आप लोगों ने वो देखा होगा एक बंदा, मतलब मेरी है 6'2" और वो मेरे से भी कितना बड़ा था, मैं यूं कर रहा था ना तब भी उसके कंधे पे हाथ जा रहा था मेरा।
तो हम लोग वहाँ पे पहुंच गए रिकॉर्ड करने। तो वहाँ पे हम रिकॉर्ड करने लग गए, मतलब पूछा तो उन्होंने बोला नहीं भाई साहब आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने एक दो बंदों से बात की तो एक दो बंदे तैयार हुए, उन्हीं के साथ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। बाकी ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए यार, यहाँ पे साउथ सुडान में ना बहुत लफड़े हैं रिकॉर्डिंग को लेकर। अब वो बास्केटबॉल ग्राउंड में भी देखो आप लोग रिकॉर्ड नहीं करने देते वो लोग, तो ठीक अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फाइनली सबसे अच्छी बात यह है कि हमें परमिशन मिल गई है, चार पांच दिन की मशक्कत, चार पांच दिन यार पांच छह दिन की मशक्कत के बाद फाइनली परमिशन मिला है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि हाँ अब है ना जो मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। और परमिशन भी ऐसे छोटी मोटी परमिशन नहीं भाई साहब, $200 परमिशन का देख के आए हम लोग। $200 तो मिनिमम में मान गए, वो हमसे मांग रहे थे $400। राजेंद्र सर ने बोला यार इस बार तो बक्सो, अगली बार यदि कोई आए तो उससे ले लेना $400। तो $200 का मतलब हो गया 16,500 रुपए मैंने परमिशन के दे दिए कि रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद में रिकॉर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा कोई पता नहीं। और स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये होता है उनका परमिशन लेटर। हालांकि बीच में मैं जाके एक वीडियो बना के लाया था, मैं बाहर किसी गांव वगैरह में चला गया था और वहां भी पुलिस वालों ने काफी तंग किया। पुलिस वालों ने हमें वहां पे पकड़ लिया था और बोले कि जब तक इनका परमिशन नहीं आएगा ना तब तक इनको यहीं डिटेन करेंगे। मैंने बोला यार ये हद है यार, उनको थोड़े बहुत पैसे देके और निपटाए। पीटर ने फिर कहीं सुलझाड़ा किया, सेटलमेंट किया, उनको थोड़े बहुत पैसे दिए। यहाँ पे इतने लफड़े हैं ना, मतलब ये लोग तो एक तो कैमरा फ्रेंडली तो बिल्कुल ही नहीं है, और पुलिस और आर्मी भी यहाँ की ऐसी है कि जो ऐसे फोन लेके ऐसे कैमरा लेके दिख गया ना उसको भी धर लेगी भाई साहब, मतलब हर किसी को दिक्कत है। और हम लोगों को परमिशन, धन्य हो साउथ सुडान मीडिया अथॉरिटी, धन्य हो उन्होंने हमें परमिशन दे दी है। क्या ही बताऊं यार कितने चक्कर कटाए, मतलब हम लोगों ने इतने चक्कर काटे, आज नहीं कल, आज वो बंदा बीमार है, आज वो नहीं आया, आज उसकी तबीयत खराब है, आज वो जल्दी चला गया, बैठो देते हैं, ठीक है दो दिन बाद आना, दो घंटे बैठा के फिर ठीक है दो दिन बाद आना। और एला इस, मतलब इस जो परमिशन मिलने के पीछे जो सबसे बड़ा आता है ना एलाव जी का, राजेंद्र एलाव जी का, सही बता रहा हूँ यार, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे साथ वहां जाके दो दो तीन तीन घंटे वहां पे मीडिया अथॉरिटी के ऑफिस में बैठते थे वो भी। एक बात ये भी है, यहाँ पे यार कोई घूमने आ रहा है आपकी कंट्री, ठीक है, आप लोग उसको पांच छह दिन बाद परमिशन दोगे तो कैसे काम चलेगा। एक तो ये कंट्री इतना महंगा है ना, $100 से नीचे कोई होटल नहीं है यहाँ पे, खाना पीना $100 का, ठीक है, आपके $200 पर डे के लेके चलो, अब वो मुझे छह दिन बिठाए रखते हैं तो छह दिन में $1,200, अब कोई बंदा कैसे सर्वाइव करेगा। $1,200 का मतलब हो गया लगभग ₹1,00,000 हो गया, ₹1,00,000 मायने रखता है यार, कोई बंदा बैठा बैठा कुछ ना करते हुए ₹1,00,000 आपकी कंट्री में स्पेंड करे। चलो मैं अलाव जी मेरे को होस्ट किए हुए हैं, पिछले पांच छह दिन से उन्हीं के साथ में हूँ, खाना पीना ठीक है, होटल मेरा कुछ नहीं लग रहा। तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है रिकॉर्डिंग वगैरह का, परमिशन वगैरह का, इनको टूरिज्म वगैरह की बिल्कुल नहीं पड़ी है, ये लोग टूरिज्म को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। जब लोग आएंगे भाई फोटो वगैरह क्लिक करेंगे, वीडियोज वगैरह बनाएंगे, बाकी फालतू में ऐसे ही आके जाए थोड़ी जाएंगे। अब जैसे वो लंबे लोगों से मिलने गए वहां पे, वो बास्केटबॉल ग्राउंड में उन लोगों को प्रॉब्लम है, चलो यार हम तो प्रमोट कर रहे हैं, आपके बंदे इतने लंबे हैं, बास्केटबॉल की टीम अच्छी है, तो उनको वहां भी प्रॉब्लम, तो ऐसे ही चल रहा है। वीडियो का सिक्वेंस भी ढंग से नहीं बैठ पा रहा, पता नहीं वीडियो कैसा था क्या था, मुझे खुद को नहीं पता। आप लोगों में से कोई भी घूमने आओ ना तो एक चीज सजेस्ट करूंगा, परमिशन के लिए आप लोग इंडिया में रहते हुए अप्लाई करवा देना, नहीं आप लोगों को परमिशन यहाँ पे धक्के खाने पड़ेंगे, पांच छह दिन बैठना पड़ेगा और पांच छह दिन में आपका जो बजट लेके आओगे ना उड़ जाएगा पांच छह दिन में ही। कोई नहीं पड़ी है, किसी को नहीं पड़ी है, मैंने देखे यहाँ के ऑफिसेज तीन तीन चार चार घंटे बैठे रहो, फिर बोलेंगे आज नहीं कल, कल नहीं परसों। भाई बंदा बाहर से आया यार घूमने आया आपकी कंट्री, थोड़ा बहुत तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करो आप लोग यार, थोड़ी बहुत तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ, ऐसे कैसे काम चल सकता है। आपकी कंट्री का कोई बंदा है आप लोग उसको कल बुला लो, परसों बुला लो, दो महीने बाद बुला लो, लेकिन बाहर से बंदा एक वीजा लेके आया, ठीक है एक महीने का वीजा मिला, 15 दिन बाद तो मैं वैसे ही कंट्री में गया, अब मैं क्या कर लूंगा मैं, ठीक है, मतलब कोई लिमिटेड टाइम का वीजा लेके जा रहा है, आप लोगों को कुछ नहीं पड़ी है यार, हद है यार। चलो परमिशन मिली है लेकिन आगे थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये परमिशन वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी एक नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।